हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं ऑरेंज और ब्लैक से दो कलर में आपको बहुत ही सुंदर सा, बिल्कुल एकदम से नया डिज़ाइन और आसान तरीके का डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 9 नंबर की नीडल्स का यूज़ किया है और दो मेरे पास ये कलर हैं और इसको मैंने फ्रेंड्स देखिए डबल किया हुआ है। ये मेरे पास पतली ऊन थी तो मैंने इसको डबल किया था। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल लेंगे। फंदे फ्रेंड्स हम बिल्कुल ही आसान तरीके के फंदे मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले हम एक यहाँ पे नोट लगा लेंगे। जैसे आपको डालने आते वैसे भी डाल सकते हो। इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें फंदे डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें 20 फंदे डालूंगी। आप 20 फंदे का भी बना सकते हो, 30 फंदे का भी, 40 फंदे का भी। बनाने का तरीका बिल्कुल ही सेम रहेगा। ये देखिए, जोड़े से आप इसमें फंदे डालिएगा। इस तरीके से हम इसमें 20 फंदे मैं इसमें डाल लूंगी। ये देखिए, तो मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर हम आगे का अपना इसमें डिजाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, 20 फंदे फ्रेंड्स मैंने इसमें डाल लिए हैं। ये हमारी उल्टी साइड है, ये हमारी सीधी साइड बनेगी। तो फर्स्ट रो से ही हम अपना इसमें डिजाइन स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए, ये थ्रेड थोड़ा सा बड़ा बचा हुआ है, ये हमारी सिलाई में लास्ट में काम आएगा। ये देखिए, फर्स्ट रो से ही हम इसमें अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे और मैं यहाँ पे दूसरा कलर इसमें लगा लूंगी। आप इस कलर के यहाँ पे नोट भी लगा सकते हैं और इसको वैसे भी दबा सकते हैं। ये देखिए, इसको हम आगे कर लेंगे। अब हम पीछे से ये ऑरेंज लेके आएंगे। अब इसको हम आगे कर देंगे और हम ब्लैक से बनाएंगे। जितने भी फ्रेंड्स आपके फंदे हों, आपने इसी तरीके से बनाने हैं। अब देखिए, हम ये ऑरेंज लेके आएंगे। एक फंदा ब्लैक का और एक मैं ऑरेंज का बनाऊंगी। आपने जो भी कलर लिया है आप इसी तरीके से बनाइएगा। सॉरी, ये जो ये वाला थ्रेड है हमारा, ये देखिए, अब इसको हम आगे कर देंगे और अब हम ब्लैक से बनाएंगे। ये देखिए, इसको आगे कर देंगे। इस रो में हमारी ये हाफ चोटी बनके तैयार हो जाएगी। उसको आगे रखना है आपने थ्रेड को, ये देखिए ऐसे रखना है। ये देखिए, पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है ऐसे ही अपना कलर चेंज करते हुए। ये देखिए, साइज में आप इसको जितना भी आपको बड़ा बनाना है उतना ही बड़ा आप इसे बना सकते हो। ये देखिए, लास्ट का फंदा मेरा बच गया है, इसको मैं ऑरेंज से बना दूंगी। ये देखिए, पूरी रो हमारी बन गई। पलट लेंगे। ये देखिए, अब इस साइड से हम इसको, ये हमारी सीधी साइड है तो हम इसको ऐसे उल्टा बनाएंगे। फर्स्ट वाला फंदा हम, आप देखिए फ्रेंड्स, ये आप ऐसे ही कम ही बनाइए इसको, नहीं तो होल बड़ा बन जाएगा, उतार लेंगे। इस थ्रेड को आगे करेंगे, ब्लैक ब्लैक से बना देंगे। अब इसको आगे करेंगे, ऑरेंज से बना देंगे। इसको आगे कर लेंगे, अब ब्लैक से बना देंगे। जो जिस कलर का फंदा होगा इस रो में आपने उसी कलर से बनाना है। इसको आगे कर लेंगे, ऑरेंज से बना देंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। अगर फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। ये देखिए,
पूरी रो मैंने आपको उतार के दिखा दी है ऐसे कलर चेंज करते हुए। ये देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम पीछे लेके जाएंगे, इसको भी पीछे लेके जाएंगे, किनारे वाला फंदा मैं सीधा बना दूंगी। ये देखिए, अब इसको हम पलट लेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब हम अपना दो कलर चेंज करेंगे। हर कली में हमारा कलर चेंज होगा फ्रेंड्स, या तो आप ऊपर 10 फंदे ऑरेंज के रख लूँगी मैं, या 10 फंदे मैं नीचे ब्लैक के रख लूँगी, या चेंज भी कर सकते हैं ऊपर ऑरेंज के नीचे ब्लैक के, क्योंकि हर कली में हमारे फंदे चेंज होंगे। तो देखिए, ऊपर मैं ब्लैक रखूँगी, एक दो तीन, इस थ्रेड को भी हम साथ साथ ले लेंगे ताकि पीछे से लंबा ना रहे, चार पाँच छः सात आठ नौ और दस, दस फंदे मैंने ब्लैक के बना लिए। अब मैं दस फंदे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस, दस फंदे में ऑरेंज से बना दूंगी। पलट लेंगे, ये देखिए, फर्स्ट वाले फंदे को उतार लेंगे और इस साइड से इस रो को मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। जो जिस कलर का होगा फ्रेंड्स, हम उसी कलर से बनाएंगे। ये सीधी साइड है हमारी, जब भी हम अपने चेंज करेंगे फंदे तो बैक साइड से करेंगे, उल्टी साइड से इस साइड से करेंगे। इस साइड हमेशा आपने इस रो को ऐसे ही बनाना है। ये देखिए, ऐसे क्रॉस करके थ्रेड को आगे लेके आएंगे और ये आगे के फंदे मैं ब्लैक से बना दूंगी। अब देखिए, चोटी का डिजाइन हमारा डल गया, फंदे हमने अपने दो कलर में सेट कर लिए। अब हम इसमें कली का डिजाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, पलट लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहीं से हम अपना फंदा बढ़ाएंगे। तो सबसे सिंपल तरीका मैं फंदा बढ़ाने का बताऊंगी, ऐसे ये लपेट लेंगे और एक हमारा फंदा यहाँ पे बढ़ गया, और एक फंदे के दो फंदे भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ये देखिए, ये सारे फंदे बना लेंगे हम ऊपर के। ये हमारे पास अब 11 फंदे हो गए, लेकिन मैं 7 फंदे बनाऊंगी, दो फंदे मैं ऑरेंज में कन्वर्ट कर दूंगी। कली बनाएंगे अब हम ऊपर की तरफ लेके आएंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस, दो फंदे मैं पीछे छोड़ दूंगी। पलट लेंगे सीधी साइड से फ्रेंड्स, जो जैसा है वैसा ही मैं इस रो को ऊपर तक ले आऊँगी। ये देखिए, ऊपर तक आ गए हैं। अब देखिए, एक फंदा हमने बढ़ाया था, फिर से हम इसमें लपेट लेंगे। ये देखिए, एक फंदा हमने और बढ़ा लिया, एक एक फंदा ऊपर से हम यहाँ से फ्रेंड्स बढ़ाएंगे। और ये जो हमारा जहाँ से ऑरेंज कलर स्टार्ट होता है, यहाँ से हम दो दो फंदे नीचे से इसमें कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए, और दो फंदे लास्ट में छोड़ देंगे। पलट लेंगे सीधी साइड से, जो जैसा है वैसा ही बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ऊपर तक आ गए हैं, बना ली पूरी रो। पलट लेंगे, दो फंदे फ्रेंड्स हमने बढ़ा लिए हैं, तीसरा फंदा देखिए ये हम लपेट लेंगे। और ये मैंने तीसरा फंदा इसमें बढ़ा दिया है। और ये दो फंदे मैं ऑरेंज में कन्वर्ट कर दूंगी। ये देखिए, दो फंदे पीछे छोड़ दिए। पलट लेंगे राइट साइड से, जो जैसा है वैसा ही बनाऊंगी। ये देखिए, पलट लेंगे
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पीछे तीन फंदे छोड़ दिए हैं, तीन फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा दिए, छह मतलब दो दो करके तीन जोड़े छोड़ दिए हैं। ये देखिए हमने चौथा फंदा अपना यहाँ पे बढ़ा लिया है, निडल पे लपेट लिया और हमने बढ़ा लिया। आप देखिए दो फंदे फिर से हम कन्वर्ट कर देंगे, कली हमारी ऊपर की तरफ आ गई है। एक लास्ट का फंदा हम इसमें और बढ़ाएंगे। अगर आपने आप बड़ा बनाओ तो आप यहाँ पे ज़्यादा फंदे भी बढ़ा लीजिए। कली के मैंने यहाँ पे 10 फंदे लिए, 8 फंदे लिए हैं, तो आप कली के यहाँ पे ज़्यादा फंदे भी ले सकते हो। ये देखिए सॉरी 8 नहीं 10 फंदे हैं मेरे कली के, 1 2 3 4 5। ये देखिए पलट लिया और इस पूरी रो को कंप्लीट कर लिया। ये देखिए लास्ट का फंदा अब हम बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फिर से ऐसे लपेट लेंगे। अब हमारे ऊपर हो गए 2 3 4 और 5। ध्यान से देखिए 5 फंदे हमारे बढ़े हुए हैं और ये लास्ट के फंदे 2 हम फिर से कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए और 2 फंदे हम छोड़ देंगे, पलट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हाफ कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल कली हमारी ऊपर तक आ गई है, 5 फंदे हमने इसमें बढ़ा लिए हैं। अब एक बारी से रो को मैं उतार के आपको अच्छे से दिखाऊंगी। पलट लेंगे, इसको पीछे कर देंगे, क्रॉस करके आगे ले आएंगे। अब हमारे आगे ये ब्लैक कलर के 5 फंदे ही हमारे ये बच गए हैं। फर्स्ट कली में फ्रेंड्स मैंने ये ऑरेंज कलर ऊपर लेना था, आपको साफ साफ दिखाई देता। ये देखिए 5 फंदे हमारे बच गए, कली हमारी इस शेप में आई है। अब हम क्या करेंगे देखिए, एक फंदा हम यहाँ से घटा देंगे, 2 फंदे का 1 कर दिया। अब देखिए 4 फंदे हमारे पास ये बड़े हुए हैं, 2 फंदे हम इसमें और इसमें ले लेंगे। अब हम हाफ कली बनाई थी तो नीचे से ऊपर की तरफ आए थे, अब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे और देखिए कली के हम 10 फंदे वापस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 फंदे हम पीछे से ऐड कर लेंगे। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको गैप नज़र आए तो आप ऐसे बीच में से ऐसे फंदा एक उठाइए और इसके साथ इसको और इसको ऐसे 2 का 1 कर दीजिए और ये भी हम बना लेंगे। 2 का 1 करना मत भूलिएगा और यहीं से हम मुड़ जाएंगे। ये देखिए गैप नहीं आएगा यहाँ पे बिल्कुल भी। इस रो को मैं उतार के कंप्लीट करूँगा। ये देखिए हमारी कली की यहाँ पे भी शेप बननी स्टार्ट हो गई है और अंदर की साइड भी ये जाने लग गई है। अब फिर से देखिए ये हम दूसरा फंदा हमने घटा दिया। ये देखिए अब ये ऊपर यहाँ पे 3 फंदे बच गए बड़े हुए, ये 2 हमने इसमें ऐड किए थे तो 2 हम ये बना लेंगे और 2 हम इसमें नीचे से और ले लेंगे। ये देखिए यहाँ से हम अंदर की तरफ आएंगे, ब्लैक वाला हम पूरे अपने यहाँ पे फ्रेंड्स हम घटाएंगे भी फंदे और ये 10 फंदे हम कंप्लीट भी करेंगे। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 2 फंदे हम आगे से ले लेंगे, उससे पहले हम अपना गैप ख़त्म करेंगे। ये देखिए 2 का 1 कर देंगे, पलट लेंगे
और इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर से हम अपना तीसरा फंदा घटा लेंगे। ये छोटी सी कली है फ्रेंड्स, ये मैं आपको कंप्लीट बना के दिखाऊंगी। कई बार बिगिनर्स के कमेंट आते हैं इसलिए मैंने इसको पूरा बिल्कुल पांचों फंदे मैंने इसमें बढ़ा के दिखाए हैं और अब मैं पांचों ही फंदे घटा के दिखाऊंगी। पूरी ये कली आपको कंप्लीट बना के दिखाऊंगी। ये देखिए ऊपर से एक फंदा घटा लिया, दो इसमें हमने नीचे की तरफ से ले लिए और देखिए अब ये कली के हमारे पास आठ फंदे बच गए। तो दो हम हर बार की तरह पहले हम गैप के लिए उठाएंगे, गैप ख़त्म करेंगे और फिर हम एक फंदा और बना लेंगे। ये देखिए दो फंदे हमारे यहाँ पे, दो जोड़े हमारे बच गए और दो ही फंदे हमारे ऊपर बच गए। ये देखिए तो इस रो को मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए आपको अलग से दिखाई देगी। अब हम चौथा फंदा अपना घटाएंगे। ये देखिए दो का एक कर दिया, एक फंदा हमारा यहाँ पे और बच गया है और दो फंदे हम इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए कली के आठ फंदे बच गए, हर बार की तरह दो हम नीचे से इसमें ऐड कर लेंगे। पलट लेंगे सीधी साइड से, हर बार की तरह जो जिस कलर का है उसी कलर से बना लेंगे। ये देखिए लास्ट का फंदा हम घटाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए दो का एक कर दिया। अब देखिए हमारे पास ऊपर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ और दस, दस फंदे हमने लिए थे, दस फंदे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये इस कली की लास्ट रो है, इसमें हमारे फंदे पूरे हो गए और कली भी हमारी बन के कम्प्लीट हो गई। हर कली के बाद हम एक चोटी का डिज़ाइन बनाएंगे फ्रेंड्स और फिर अगली कली की स्टार्टिंग करेंगे। ये देखिए ये लास्ट के दो फंदे भी हम ऐड कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स जो यहाँ पे हमने चोटी बनाई है, तो जब आप लास्ट कली बनाओगे तो आप उसमें चोटी नहीं बनाना, नहीं तो हमारी यहाँ पे दो चोटी इकट्ठी हो जाएंगी। लास्ट की आप ऐसे सिंपल कली बना के और हम ऐसे ही सारे फंदे बंद कर देंगे क्योंकि चोटी हमने पहले ही बना रखी है। और अगर आप ये चोटी नहीं बनाओ, सीधी कली स्टार्ट कर दो, तो आप ये चोटी लास्ट वाली कली के ऊपर बना लीजिए। अब देखिए राइट साइड से इस रो को मैं उतार के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए अब फिर से फ्रेंड्स हम इसमें पहले तो हम ये फंदे एक जैसे कर लेंगे। तो देखिए हम इससे बनाएंगे, ब्लैक से बनाएंगे सारे फंदे नीचे तक, या आप ऑरेंज से बना लीजिए, आपकी मर्जी है। ये देखिए ये सारे फंदे मैं, ऊपर मेरा ब्लैक थ्रेड है तो मैं इससे बना लूँगी। ये देखिए राइट साइड से भी मैं इस रो को उतार के कंप्लीट करूँगी। ये पूरी रो मैंने उतार ली है, आप देखिए। अब फिर से फ्रेंड्स हम इसमें चोटी का डिजाइन डाल लेंगे। तो ये हम थ्रेड आगे ले आएंगे, सीधी साइड से ऐसे बनाएंगे, तो इसी फंदे से हम पहले बना देंगे। ब्लैक से भी बना सकते हो। ये देखिए इसको हम आगे कर लेंगे, ऐसे टाइट कर लीजिए ब्लैक वाले को। ये देखिए एक ऑरेंज से बनाएंगे, इसको आगे कर लेंगे, एक ब्लैक से एक ऑरेंज से, जो भी आपके पास कलर हो, जैसे हमने पहले बनाई थी इसी तरीके से आप बनाइएगा। तो मैं सारे फंदे इसी तरीके से एंड तक बना लूँगी। ये देखिए लास्ट का हमारा फंदा बच गया है, तो हम ये ब्लैक से बना देंगे, पलट लेंगे
ये देखिए फ्रेंड, जो आज पे बल चढ़ गए वो इस साइड से बनाओगे तो अपने आप ही उतर जाएंगे। ये देखिए, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। ब्लैक को हम आगे कर लेंगे, ऑरेंज से बनाएंगे। ये देखिए, इसी तरीके से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। जो जैसा फंदा होगा उसी कलर से बना के हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इसको हम पीछे करके हम ऐसे सीधा बना देंगे तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग आएगी, जैसे हमारी ये आई है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे फ्रेंड्स ऊपर दूसरी कली बनाएंगे तो हमने ये चोटी का डिजाइन डाल लिया है। अब देखिए, पहले हमारा ऊपर ब्लैक था और नीचे ऑरेंज था। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हम ऑरेंज बनाएंगे। और अगर आपको इसी तरीके से बनाना है सारा ऑरेंज की कली और ये जो ऊपर मैंने ब्लैक लगाया, तो आप ऐसे भी बना सकते हो और कलर चेंज भी कर सकते हो। ये देखिए, दो तीन, इसको हम ऐसे लेके आएंगे, चार। और फ्रेंड्स, जो ये हमारा ये थ्रेड है ना, आप देखिए ध्यान से, इसको ऐसे करके ऐसे बना लीजिए और हम इसको ऐसे, फिर हमारे ये लटकेगा नहीं। ये देखिए, ये हमारे हो गए पाँच, छः, सात, आठ, नौ और ये दस। और आगे के दस फंदे मैं ब्लैक से बना दूंगी। कलर हमने अपना चेंज कर लिया। कली हमारी बन गई, चोटी का डिजाइन हमने बना लिया, फंदे हमने दो तरह के कर लिए, कलर हमने चेंज कर लिया। सीधी साइड से जो जैसा है हम वैसा ही बनाएंगे। ये देखिए, सीधी साइड से रो को हमने उतार लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोसेस पूरा हो गया है। आपने हर बार ऐसे ही करना है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी कली की स्टार्टिंग करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहीं से हम अपना फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए, लपेट लिया और हमारा एक फंदा बढ़ गया। ये देखिए, एक फंदा ऊपर बढ़ा लिया। दो फंदे मैं ऑरेंज के ब्लैक में यहाँ से कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि हम अपने कली बनाने हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और दस। दस कली के रखे हैं हमने, दो पीछे छोड़ दिए और पलट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कली हमारी स्टार्ट हो गई है। इसी तरीके से हमने, जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाए थे, पांच फंदे बढ़ा लेंगे और ये दो दो करके हम यहाँ तक ऊपर तक आ जाएंगे। पांच फंदे हमारे बच जाएंगे, सारे फंदे हम कन्वर्ट कर देंगे और पीछे हमारे दस फंदे दो दो करके छूट जाएंगे। और फिर जब हमारी हाफ कली बन जाएगी तो हम ऊपर से फंदे घटाने स्टार्ट करेंगे और ये फंदे अपने ब्लैक वाले भी इसमें दो ऊपर से ऐड करेंगे। और इस दो हम दो दो करके छोड़ते आए हैं, तो बीच में से हम कली के जब पूरे फंदे करेंगे तो दो बीच में से ले लेंगे। तो जैसे हमने सेम ये कली बनाई है, इसी तरीके से हमने ये ऊपर बनाना है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको बना लेती हूँ, बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी लुक कैसी आई है। तो आप भी बना लीजिए, मैं भी इसे कंप्लीट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। आठ कली में बनके कंप्लीट हुआ है। तो आप इसे बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।